राजघाट थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर शनिवार को राज्यसभा सांसद व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक किया। बैठक का उद्देश्य था कि कांग्रेस पार्टी से सदर लोकसभा सीट के प्रत्याशी मधुसूदन त्रिपाठी को पूर्ण बहुमत से विजयी बनावे। पीएल पुनिया ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य किया। इस दौरान बैठक में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश यादव, सदर लोकसभा प्रत्याशी मधुसूदन, महेंद्र तिवारी उर्फ गुड्डू, जितेंद्र पांडे, ध्रुव पासवान, अनिल सोलकर त्रिपाठी, जयंत पाठक, प्रेमलता चतुर्वेदी, चेतना पांडे, बादल चतुर्वेदी, अभिजीत पाठक, निर्मला पासवान सहित कांग्रेस पार्टी के अन्य पदाधिकारियों का कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया ने कहा, जो भी की सरकार की उनको उखाड़ फेंका और तीनों जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार, वहां के लोगों का मुंह है, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग मतदाता, अलग अलग कैंडिडेट, लेकिन एक तरह का चुनाव। केवल और केवल उद्देश्य उनका यह है कि कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाले नेता और पार्टी को नहीं है। ये एक इस तरह का बंधन है, कोई आधार नेता है हमारे, एक सेनापति की श्रेणी है और ये एक सिक्का उछालता हूं, अगर हेड की तरफ गिरेगा तो ये समझ जाइए कि आपकी प्रार्थना कबूल हो। वहां पर जीत हासिल करने के बाद लौटने लगे, उन्होंने कहा कि पीर बाबा का धन्यवाद दे दीजिए। देखिए, केंद्रीय चुनाव कार्यालय गोरखपुर लोकसभा और यहाँ पर सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी संगठन, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सभी विभाग, प्रकोष्ठ, उनके सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और ज़बरदस्त माहौल है। वर्तमान सरकार जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है और प्रदेश में भी चल रही है, दोनों की एक ही पार्टी की सरकारें, उनके प्रति लोगों का आक्रोश है। आक्रोश इसलिए तब इनका मौका दिया गया था 5 साल के लिए और जो वादे किए थे उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं कर रही, उसके ऊपर उसका जवाब क्यों नहीं दिया, वो इधर उधर मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मूल बात, जो सवाल वोटर पूछ रहा है कि भाई हमारा क्या हुआ, 25-15 लाख अकाउंट में भेज रहे थे, क्या हुआ किसानों का कर्ज माफ हो रहा था, क्या हुआ 10 करोड़ 5 साल में रोजगार देने वाले, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कर रहे थे, वो क्या हुआ, भ्रष्टाचार में बंद करने की बात कर रहे थे, लेकिन राफेल घोटाले में प्रधानमंत्री स्वयं भ्रष्टाचार करते हैं और अपने जो उद्योगपति दोस्तों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, तो इन बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो लोगों में आक्रोश है और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो हमारे नेतृत्व है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो एजेंडा दिया है, जो मैनिफेस्टो दिया है, जो न्याय और विशेष रूप से गरीबों के लिए न्याय योजना के 5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी 12,000 प्रति माह से कम है, उनको प्रति वर्ष 72,000 रुपया सीधे उनके अकाउंट में भेजा जाए, किसानों का लिए है, नौजवानों के लिए रोजगार के है, सभी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्राविधान है। इतना एजेंडा लोगों को प्रभावित कर रहा है और कांग्रेस पार्टी के प्रति पूरी तरह से आकर्षित है, पूरी तरह से उनके समर्थन में जुटे हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे योग्यतम प्रत्याशी मधुसूदन त्रिपाठी जी, उनके ऊपर बेदाग छवि के व्यक्ति जो 40-45 साल से समाज सेवा में हैं, अपने क्षेत्र में योग्यता प्राप्त हैं और वो सभी प्रत्याशियों के ऊपर भारी हैं और उनकी जीत सुनिश्चित है।